हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी BTC $43,000 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। एक्चुअल में यहाँ पे काफ़ी सारी पॉजिटिव अपडेट्स आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको एक दिया था ETF के बारे में, शायद आपको याद होगा। तो वहाँ पे भी मैंने बात करी थी कि ETF कैलेंडर आपको बताया था कि किस किस दिन ETF के अप्रूवल्स होने वाले हैं या फिर ETFs लिस्ट होने वाले हैं। वो वीडियो जाकर चेक जरूर कर लें और सेव कर लें, क्योंकि वही जो कैलेंडर डेज मैंने आपको बताया उन दिनों के ऊपर हमें बड़ा पंप देखने को मिलेगा। जैसे कि आज के दिन हमें बहुत बड़ा एक पंप देखने को मिला BTC में, लेकिन ये BTC में नहीं बल्कि सारे के सारे ऑर्डर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इथेरियम देख सकते हैं, ऑलरेडी 2300 कर चुका है। सुबह से कार्डानो बहुत अच्छा चल रहा है, एवलांच बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक्चुअल में क्या है कि मार्केट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का अगर हम देखते हैं तो ग्रीड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 76 तक पहुंच चुका है। इसी के साथ आपको एक चीज बताई थी कुछ दिनों पहले कि मार्केट कैप नीचे गया था, जो कि $1.55 trillion तक चला गया था, लेकिन अब फिर से ये वापस उसी पोजीशन तक आ चुका है जो 1.63 trillion। एंड इट्स सच ए बुलिश अपडेट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन इसके पीछे मेन रीजन क्या है कि क्यों BTC अभी इतना ज्यादा बुलिश है, तो यहाँ पे मैं हर एक चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड वन थिंग मोर, लास्ट टाइम आपको भी बताया था कि CPI का जो डेटा आउट हुआ था, जो कि कल के दिन ही आपको बताया था, उसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन भी बताई थी कि BTC अभी कहाँ तक जाने वाला है, उसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि UPI का डेटा सामने आया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे फेडरल रिजर्व ने एक और बहुत ही बड़ी अपडेट दी है, जिसकी वजह से आप डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग करके भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल के दबा लीजिए। एंड सारी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर भी मिलने वाली है, वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिसके ऊपर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कॉइन के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं क्रिप्टो को लेकर, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो है वॉफ्ट डिस्कस के नाम से। तो इसका यूजर नेम एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वहां पर जाकर आप कुछ भी डिस्कस करें, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो मार्केट आप देख सकते हैं फिर से हरी भरी हो चुकी है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो कि कल से इंपैक्ट डाल रही है वो तो ये है कि CPI का डाटा आया है, जिससे पता चला कि जो इन्फ्लेशन है वो और भी ज्यादा कम हुई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी ही आई है, जो कि 3.1% के आसपास थी। आप यकीन नहीं करोगे, एक साल पहले ये 9% तक भी पहुंची थी, यानी कि जब इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही थी। वही कारण था कि क्यों मार्केट डंप भी हुई थी, और अभी इन्फ्लेशन कम होने की वजह से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा BTC चल रहा है। अब हम बात करेंगे कि इससे भी बड़ा जो अपडेट आया वो है ETFs को लेकर। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ETFs की जब भी लिस्टिंग होने वाली है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट रहेगी हमारे सभी क्रिप्टो होल्डर्स के लिए या फिर पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए। क्योंकि ETF में क्या है कि जो लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वो इनडायरेक्टली तरीके ढूंढते हैं बिटकॉइन में या फिर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने का। तो अगर वो ETF में शेयर्स खरीद लेते हैं किसी भी ETF के, तो उन शेयर्स को बाय करके उनको डायरेक्टली एक बड़ा इंपैक्ट तो नहीं पड़ता, यानी कि उनको $40,000-$50,000 का एक BTC नहीं खरीदना पड़ता, बल्कि उनको सिर्फ शेयर्स खरीदने पड़ते हैं जिनकी वैल्यू होती है $30-$40, और वो परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिप्टो मार्केट। तो अभी बिटकॉइन स्पॉट ETF एक लॉन्च किया गया है, जो कि लिस्ट हो गया DTCC के ऊपर विद टिकर BITB। तो ये बिटवाइज कंपनी का भी मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको पिछले उस वीडियो में बताया था जिसमें हमने ETF कैलेंडर की बात करी थी। तो इसकी जो लिस्टिंग हुई है ये एक्टिव एंड प्री लॉन्च लिस्टिंग करी गई DTCC के ऊपर। तो DTCC क्या है, डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जिससे हमें सडन मूव देखने को मिला BTC में। क्योंकि BTC का ही अगर ETF आएगा तो इससे यह कि वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट्स आने वाली हैं। जो लोग क्रिप्टो में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं भी करते, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादातर सिर्फ शेयर्स में जाती हैं, स्टॉक्स में जाती हैं, तो वो क्या है कि इस ETF को कंसिडर करके इसमें भी पैसा लगाने वाले हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में ये पहला ऐसा ETF है, बिटकॉइन ETF है, जिसको अप्रूवल मिला है। यानी कि अभी तो DTCC के ऊपर लिस्ट हुआ है, लेकिन इसके जो USSEC के द्वारा एक्चुअल अप्रूवल की बात करें तो वो भी इनएविटेबल लग रहा है कि ये फाइनली लिस्ट हो ही जाएगा। और इसी के साथ साथ ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्वेस्को गैलेक्सी, तो इनके भी लिस्टिंग होने की बहुत जल्द हमें खबर मिलने वाली है। तो लास्ट एक अपडेट एक नेगेटिव जरूर आया था, लेकिन वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट डालने वाला है। मैंने आपको जो फाइनल डेट्स बताई हैं, जो कैलेंडर के बेसिस पर फाइनल डेट्स बताई हैं, उसके बेसिस पर ही यहाँ पे लिस्टिंग की हमें फाइनल न्यूज़ देखने को मिलेगी, जो मोस्ट ऑफ देम अभी अप्रूवल्स ही आने वाले हैं। तो अभी हम ऑलरेडी $45,000 तक की रैली एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं कि BTC इतना जाएगा ही जाएगा। एंड करेक्शन थी वो जो करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। एंड अगर हम हाविंग की बात करें, जब बिटकॉइन की हाविंग होगी उसके अभी कुछ दिन बाकी हैं, जो कि लगभग 3 से 4 महीने बाकी हैं। तो हाविंग तक बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि BTC $60,000 तक जाने वाला है। एंड आपको मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट के इन्फ्लोज आने वाले हैं वो ज़्यादातर इस ETFs के द्वारा ही आने वाले हैं। एंड बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट आ गई। इसी के साथ बड़ी अपडेट ये भी है जो मैंने आपको पहले इन्फ्लेशन रेट के बारे में बताया था कि इन्फ्लेशन अभी कम हुई है, उसके बेसिस पर क्या है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है
तब तो इंटरेस्ट रेट्स को हाई किया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा पेन मिलती है पूरी मार्केट्स को, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो। लेकिन अगर हम बात करें जब इन्फ्लेशन कम होती है तो इससे क्या कि इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाता है, उससे क्या कि लोन्स लेने पॉसिबल हो जाते हैं, लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा फैसला आया है फेडरल रिजर्व के द्वारा कि वो हो सकता है कि आने वाले 3 जो रेट्स हैं वो कट डाउन करेंगे, यानी कि 2024 में इंटरेस्ट रेट्स को और भी ज़्यादा कम किया जाएगा। और ये एक सबसे बड़ा प्रॉमिसिंग अपडेट है जिससे ऑल्ट कॉइन्स और भी अच्छा मूव करने वाले हैं। एंड हमेशा मैं आपको बताता हूँ, सोलाना जैसे, एवलांच जैसे, कार्डानो जैसे, XRP, BNB इन जैसे कॉइन्स के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि यही हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं। क्योंकि ये तो सारे लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए कॉइन्स बने, तो इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आप होल्ड करके अगर भूल भी जाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बाकी कॉइन्स आते हैं, आते जाते रहते हैं, जैसे कभी बॉन्ग कॉइन चल रहा है, शिबा इनू चल रहा है, तो वो कॉइन्स भी धीरे धीरे अगर तो स्ट्रांग हो रहे हैं तो उनमें इन्वेस्ट करें, वरना जो भी मैं अपडेट्स देता हूं आपको उन अपडेट्स को फॉलो करते हुए ही आपने अगला स्टेप उठाना है। जैसे कि बॉन्ग का मैंने आपको कल बताया था, अभी एक नया अपडेट भी आपको बहुत जल्द देने वाला हूं। अब आपको एक चीज़ बताता हूं कि जो कैथी वुड ने किया आर्क इन्वेस्ट के द्वारा, उन्होंने पहले भी किया था और ये दोबारा कर दिया, यानी कि पिछले 2-4 दिन के अंदर ये लगातार ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने कॉइन बेस के जो शेयर्स हैं $43 मिलियन के वो सेल ऑफ किए, इसी के साथ जो GBTC के शेयर हैं $1.6 मिलियन वो भी इन्होंने सेल ऑफ कर दिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तो ये कि इन्होंने कॉइन बेस का इसलिए सेल ऑफ किया जो कि लगभग बनते थे 283,000 कॉइन्स, जिनको हम शेयर्स बोल सकते हैं, तो उनको इन्होंने इसलिए सेल किया कि क्रिप्टो मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन उसके बाद अगर हम GBTC की बात करें, या फिर इनकी सेलिंग का रीज़न ये भी है कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट बन रहे हैं, जो इन्होंने लो प्राइस पे बाइंग करी थी उनको हाई प्राइस पे सेल कर रहे हैं ताकि ये प्रॉफिट बुकिंग कर पाएं। तो यहाँ पे इन्होंने जो कॉइन बेस के कॉइन जो शेयर हैं वो सेल किए थे, सबसे पहले तो इसलिए किए थे, जो कि आज से कुछ दिन पहले किए थे, वो इसलिए किए थे क्योंकि इनको लग रहा था कि क्रिप्टो मार्केट में फ़ायदा नहीं है। अभी इन्होंने इसलिए सेल किए क्योंकि ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो इन्होंने सेल करके यहाँ पे लगभग 350% तक का प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न किया है कॉइनबेस से। तो बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि वेट कर रहे होंगे शायद 1-2 साल से कि कब प्राइसेस ऊपर जाएंगे, चाहे वो क्रिप्टोकरेंसीज के हो चाहे वो क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस के शेयर्स के बेसिस पर हो, तो उन्होंने अभी सेल करके प्रॉफिट बुकिंग शुरू भी करी है। लेकिन ये हमेशा शॉर्ट टर्म पेन देने वाला है, यानी कि थोड़ी देर के लिए प्राइसेस नीचे जाते हैं, वॉलेटिलिटी आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस बिल्कुल नीचे जाएंगे या फिर बिल्कुल ही डेड हो जाएगा क्रिप्टोकरेंसीज। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना कि आपके ऊपर कोई गलत इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये कि आप मार्केट के साथ फ्लो के साथ चलो, जो जो मैं अपडेट्स आपको देता जा रहा हूँ इनको फॉलो करो, चाहे मैं चैनल यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ, चाहे मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ जो कि वॉल्टेड ऑफिशियल के नाम से, तो वहाँ पे भी अपडेट्स के साथ हमेशा जुड़े रहना ताकि आपको हर एक चीज़ का मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो पता होगा और उसके बेसिस पर ही आप एक टाइमली एक्शन लो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऑल्ट कॉइन्स को कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं नीचे कमेंट कर दीजिए। LUNC का मैंने ऑलरेडी अपडेट आपको दे दिया था, इवन BTT का दे दिया था, BTT की और भी अपडेट्स आ रही हैं, एंड WRX की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि WRX के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर चाहिए तो नीचे कमेंट करो, चाहे वो WRX है चाहे वो बॉन्ग कॉइन है, शिबा इनू है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।